हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डाइनिंग रूम का क्लीनिंग और टूर। इसका आपको पूरा टूर करवाऊंगी। अभी तक मैंने आपको डाइनिंग रूम का फुल टूर नहीं करवाया। पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखिए, राखी का फेस्टिवल आने वाला है, 2-3 दिन रह गए हैं, तो कुछ मेहमान भी आ सकते हैं घर पर, इसलिए पहले ही मैं सब काम ऐसे क्लीनिंग के कर कर रख लेती हूँ। इससे क्या होगा कि उस दिन हमें कुछ ना ज़्यादा नहीं होता, किचन में भी काम हो जाता है, तो फेस्टिवल है, तो आज मैं 1-2 दिन पहले ही ना सारे घर को पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं आज डाइनिंग रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। डाइनिंग रूम को पहले क्लीन कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें मेकअपओवर कर दूँगी और देखिए ऐसे ही खूबसूरत लगेगा। चलो फ्रेंड्स, अब शुरू करती हूँ डाइनिंग रूम की क्लीनिंग। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं क्लीनिंग। पहले मैं सब सामान यहाँ से हटा लूँगी, एक साइड पर कर लूँगी, फिर क्लीनिंग करना थोड़ा आसान रहता है। देखिए फ्रेंड्स, घर को साफ करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम एक टाइम टेबल सेट कर लें ना, किस रूम को किस दिन हमें साफ करना है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह आज मैं डाइनिंग रूम को क्लीन कर रही हूँ। उससे पहले सारा सामान एक साइड पर हटा दूंगी। क्लीनिंग के बाद मैं आपको डाइनिंग रूम का टूर भी करवाऊंगी। फ्रेंड्स, आप फुल वीडियो मेरी जरूर देखिएगा। अब सारा सामान मैं हटा रही हूँ, साथ में मेरा बेटा भी लगा है। हमें बच्चों को भी साथ में लगाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी आदत बनती है काम करने की। जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर और टेडी है, इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी में विनेगर डालकर, तो वो क्लीन हो जाएंगी। अब देखिए, सारा सामान मैं बेटे की हेल्प से उठा रही हूँ। इसको बाहर रख दूँगी और दूसरे वाला को अंदर ले आऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैट है ना बिछा, इसको उठाऊंगी। इसको उठाने से पहले मैं इसे अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी। झाड़ू की मदद से ना मैं इसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे खाने के पार्टिकल्स इसके ऊपर गिर जाते हैं जब भी हम यहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं गेस्ट के साथ, वैसे भी जब बैठते हैं चप्पल वगैरह बच्चे लेकर ऊपर आ जाते हैं तो इसके ऊपर कुछ धूल जम जाती है, इसे अच्छे से पहले हमें निकाल लेना चाहिए, इसको क्लीन कर लेना चाहिए। फिर इसको मैं एक रोल बनाकर मैं रख देती हूँ ना इसको, फिर बाद में अंदर रख दूँगी। जिस रूम की हम क्लीनिंग कर रहे हैं ना, उस रूम में जितने भी मैट बिछे हों ना, उन्हें बाहर निकाल कर वॉश कर लेना चाहिए अगर गंदे हों तो। अगर गंदे नहीं हैं तो हमें धूप में रख देना चाहिए। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाद में। तो अब देखिए, मैं विंडो को अच्छे से झाड़ू से इसके ऊपर से जाला निकाल दूँगी, जो भी लगा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा लगा तो नहीं है। मैं साफ़ करती रहती हूँ। इसको सोफे को भी एक साइड ले कर दूँगी और दीवारों को भी हमें ना झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और कपड़े से। इससे क्या होता है, हमें दिखाई तो नहीं देता दीवारों के ऊपर, लेकिन दीवारों के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो अब इस कॉर्नर में कॉर्नर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ना कुछ टॉयस पड़े हुए हैं बच्चे के, कुछ ट्रॉफीज है बेटे की और मेरे हस्बैंड की और उनके ब्रदर की, तो सब मैं एक साइड पर पहले निकाल लूँगी। तो फिर इस कॉर्नर को भी यहाँ से एक साइड पर रखकर फिर क्लीनिंग करूँगी। सभी चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह से रखने से क्या होता है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और बहुत साफ़ लगता है। इन छोटी छोटी बातों से ही हम क्लीनिंग करनी स्टार्ट करें ना, इससे ना हमारा टाइम बच जाता है बहुत। हमें पता होता है कि इस कॉर्नर को मैंने ऐसे साफ़ करना है। इसी तरह जब भी हम काम स्टार्ट करें ना, पहले एक माइंड में सेट कर लें और जान लिख लें कि कहाँ से क्या काम हमें पहले करना है। अब देखिए, ये वाला जो सामने डेकोरेट मेरे लगे हुए हैं, पीसीस लगे हुए हैं, कुछ फैमिली पिक्स लगी हुई हैं, इन सबको भी मैं हटा कर फिर अच्छे से साफ़ करूँगी। देखिए, हमें सभी चीज़ों को ना हटाकर साफ़ करने से एक फ़ायदा हो जाता है, अगर कोई हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हो तो हमें दिखाई दे जाती है और हमारे काम में आ जाती है। इसको क्लीनिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया, पानी में मैं डाला विनेगर और थोड़े से ड्रॉप्स डाले मैं एसेंशियल ऑयल के। इससे क्या होगा कि एक तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी और थोड़ी सी इसमें स्मेल रहेगी एसेंशियल ऑयल की, तो बहुत अच्छे से खुशबू आती रहती है बाद में भी।
अब इस कॉर्नर को मैं क्लीन कर लूँगी। इस पर ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, इसमें छोटे छोटे ना होल हैं तो उसमें डस्ट जमा हो जाती है। इसको थोड़ा टाइम लगता है साफ़ करने में। जो मैंने पानी में विनेगर डाला उसी से मैंने विंडो को भी साफ़ कर दूँगी। और देखिए मेरे पूरे घर में ना PVC शीट लगी हुई है, इसे साफ़ करना बहुत आसान है। हमें ना कपड़े को गीला कर कर इसके ऊपर मार देना तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती। अब मैं पहले पंखे साफ़ कर लिए, उसकी वीडियो फ्रेंड्स मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा सेट नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसके ऊपर पोछा लगा रही हूँ, तो दो बार पोछा लगाऊंगी, एक बार मैं डिटर्जेंट के साथ लगा रही हूँ और बाद में एक बार सिंपल पानी से लगा दूंगी, तो बहुत नीट और क्लीन हो जाएगा। सोफे को साफ करने के लिए भी मैंने विनेगर में पानी वाला लिया और उसके साथ में थोड़े से एसेंशियल ऑयल डाल दिए, सोफे को अच्छे से साफ हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। अब इसको सेट कर रही हूँ यहाँ पर और साथ में ही सेट कर दूंगी जो इस कॉर्नर में रखा हुआ है ना कॉर्नर, इसके ऊपर मैं इसके सभी डेकोरेट पीसीस इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। ये देखिए जो बॉटल्स हैं जिसमें मैंने पैकिंग कवर जो कटिंग कर भरा हुआ है, इसकी मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस टेबल को मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, इसके ऊपर जो भी बेटे के टेडी बियर हैं इसके ऊपर सेट कर दूँगी। जब वो छोटा था उसको बहुत मिले थे, देखिए पैरेट भी है, उसकी बुआ ने दिया था उसे, तो अब तो यूज़ नहीं करता बच्चे, क्या बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, मोबाइल से ही निकलते अब तो मोबाइल में लगे रहते हैं, तो अब तो इनको यूज़ ही नहीं करता। अब इस कॉर्नर की काफ़ी ज़्यादा क्लीनर हो चुकी है, तब मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी बेडशीट। हाफ ऑफ कर मैंने ना रूम की क्लीनिंग कर ली, हाफ़ की पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, हाफ़ की दूसरी साइड की बाद में कर लेती हूँ, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। मैट को बिछा लूँगी क्योंकि धूप में रखा था पिछले 2 घंटे से, अच्छे से इसके में बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब इसको बिछाने के बाद सोफ़े के ऊपर मैंने कवर बिछा दिए हैं, अब बैठकर पानी पी रही हूँ, बहुत गर्मी है। अब सेंटर टेबल को सेट करूँगी, देखिए टेबल को मैंने डेकोरेट किया है और उसके ऊपर DIY ट्रे भी है, जो भी सिम की सबकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वे वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ सभी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत यूज़फुल हैं और बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपके बहुत काम आएंगी। अब इसमें इस डाइनिंग टेबल को ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इसका पहले सारा सामान हटा लेती हूँ और फिर इसको क्लीन करती हूँ। इसे मेरा में ना सब मैंने क्रॉकरी का सामान रखा हुआ है, इसको मैं देखिए अच्छे से ना मिरर को अच्छे से मिरर लगे हुए हैं, इसको मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसके ऊपर जो भी ना वो दाग वगैरह लगे होंगे सब निकल जाएंगे। तो इस PVC शीट को भी मैं इधर इस साइड पर कॉलिन से ही क्लीन कर रही हूँ। इस अलमारी को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं डाइनिंग टेबल को करूँगी सेट। देखिए इसे छोटी छोटी चीज़ों से ही ना हमारा घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखिए मैं डाइनिंग टेबल ना वुडन का है, इसके ऊपर मैं डबल कपड़ा बिछा देती हूँ, पहले इसका ना मैट बिछा दिया कपड़े का, इसके ऊपर मैं ना एक प्लास्टिक का मैट बिछा दूँगी। इससे क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं जहाँ कोई सब्ज़ी वगैरह इसके ऊपर ना दाग नहीं लगता उसके मैट के ऊपर, वाइट कलर का है ना, इसके ऊपर मैं बिछा देती हूँ प्लास्टिक वाला ये वाला, इससे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर गंदा हो तो इसको उतार कर मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और रनर लगा दिया, रनर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक ट्रे रखती हूँ, ट्रे के ऊपर सब सामान रखती हूँ क्योंकि उस अगर रनर के ऊपर ही रख देंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। 4 के डब्बे रख दिए, ये देखिए इस ट्रे में मैंने अलग अलग नमक रखे हुए हैं, काला नमक, वाइट नमक और इसमें थोड़ा सा और मैंने जीरा वगैरह भून कर रखा हुआ है, तो और साथ में टूथपिक हैं। इस ट्रे को एक साइड पे रखती हूँ, इससे क्या होता है सभी चीज़ों की इनकी ज़रूरत पड़ती हैं, बार बार हमें किचन में नहीं जाना पड़ता खाने
के टाइम इसमें मैंने सौंफ रखी हुई है अभी, तो अब इसको मैं सेट कर रही हूँ। और इसमें मैं टिशू पेपर रखती हूँ, एलिफेंट है ना, इसमें टिशू पेपर रख देती हूँ और देखने में भी अच्छा लगता है। और देखिए ये वाला भी पॉट, मैं इसके भी DIY मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। ज़्यादातर मैं DIY है मेरे घर पर, तो मैं बनाती रहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए अगर ये, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस बास्केट में मैं कुछ ना सॉस वगैरह, जो पिज़्ज़ा सॉस ऐसी होती है, सबको रखा है। और इसमें मैंने रखी है वाली बॉल्स, तो इसको यहाँ पर सेट कर दिया। तो अब देखिए मेरा डाइनिंग टेबल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी चेयर लगा दूँगी और इस कॉर्नर की भी मेरी क्लीनिंग फिनिश हो रही है। ऐसे ही बस एक एक स्टेप कर कर हमारा रूम क्लीन हो जाता है। अब देखिए मैंने पोछा लगा दिया, सभी मैंने क्लीनिंग ख़त्म हो चुकी है इस रूम की, और इसकी डोर भी अच्छे से क्लीन कर ली है। तो अब एक छोटा टेबल ना यहाँ कर रखूँगी, इसके ऊपर रखूँगी मैट, और इसके ऊपर भी एक मैं रखूँगी प्लांट रख दूँगी। और देखिए इससे थोड़ा सा ग्रीनिश आएगी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए साथ में दरवाज़ा है, यहाँ से हवा आती रहती है। और यहाँ पर एक चेयर लगा दी, अगर अकेले यहाँ पर बैठकर कभी मन होता है ना कुछ बुक्स पढ़ने का, तो इस कॉर्नर में बैठकर हम पढ़ लेते हैं। मैंने ना थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी, जो कॉर्नर उधर रखा था ना पहले, मैंने उसको इधर रख दिया और टेबल को साइड पर सेट कर दिया, और इधर रख दिया मैंने प्लांट। तो अभी इसके कुशन को भी सेट कर रही हूँ। ये देखिए ये कुशन की भी DIY मैंने, DIY कुशन है मेरे, इनकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्लीज़ फ्रेंड्स आप देख सकते हो। अब मैं देखिए इस दीवान सेट को भी अच्छे से सेट कर रही हूँ। देखिए ब्लैक और ऑरेंज, ये भी मैंने घर पर ही बनाया है कुशन कवर, बहुत ज़्यादा मैं घर पर ही बनाती हूँ। सभी DIY सभी की वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स। इस कॉर्नर में मैंने टेबल के ऊपर रख दिए बुट्टा जी, और उसके ऊपर रखी है आर्टिफिशियल फ्लावर, और उसको सेट कर दिया। और साथ में देखिए वो जो टेबल है इसके ऊपर ना हिरन के बीच में लगे हुए हैं मनी प्लांट। और यहाँ पर देखिए दीवान सेट किया हुआ है, इसके ऊपर देखिए कुशन है सब, ये फ्रिल वाला कुशन भी यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड सेंटर टेबल को कुछ इस तरह मैंने डेकोरेट किया, और साथ में कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और ये वाली ट्रे जो मैंने मिरर के साथ डेकोरेट की हुई है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। बुक्स यहाँ पर बहुत पड़ी रहती है, क्योंकि सभी को बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का। और यहाँ पर ना इस डाइनिंग रूम में बहुत रोशनी है, बाहर की तरफ है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बैठ कर बुक्स पढ़ते हैं, तो बहुत सबको अच्छी लगती है, सभी बुक्स बहुत पढ़ते हैं। देखिए डाइनिंग रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, अब इसका मैं टूर करवाती हूँ। साइड सोफे लगे हुए हैं, 7 सीटेड सोफे हैं, और 2 सीटेड साथ में इसकी सेटी है सोफों के साथ की ही, और साथ में दीवान लगा हुआ है। और इधर इस साइड पे ना देखिए डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उसकी पीछे उसकी क्रॉकरी की एक अलमीरा है, और साथ में इधर एक चेयर, और मैं यहाँ पर एक प्लांट रखा हुआ है। इस चेयर पर बैठकर मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ, कि बाहर से बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। और इस कॉर्नर को मैंने चेंज कर दिया, जो कॉर्नर उधर पड़ा हुआ था उसको इधर सेट कर दिया, और टेबल को उधर सेट कर दिया। थोड़ा सा चेंजेस होने से बहुत अच्छा लगता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की यहाँ पर ऊपर बड़ी पिक्स लगी हुई है, पेंट की हुई है, मेरे हस्बैंड के नाना जी ने उनकी हाथों से बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर मैंने बेटे के सब यहाँ पर प्लांट्स और रख दिए हैं, और अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है थोड़ी चेंज करने से सेटिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाकर फ्रेंड्स। अब देखिए ग्रीन वाले जो मैंने बनाए हुए थे DIY, ये भी मैंने कुशन कवर बहुत अच्छे लग रहे हैं और खिल रहे हैं। नीट एंड क्लीन हो जाए ना, तो मन में बहुत अच्छी सी एक ना पॉजिटिवनेस आ जाती है। अगर हमारा घर साफ़ हो तो हमें बहुत एक पॉजिटिवनेस आती है, इसलिए हमें घर को ना फ्रेंड्स हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है छोटी सी, इसके ऊपर हमारी सबकी पिक्स आती रहती है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं आपको ना इसकी रात की लुक भी दिखाऊँगी कैसा लगता है रात को, तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ सब कुछ, कैसे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है और मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है। देखिए 2-3 आवर लगे मुझे, लेकिन अच्छे से मेरा डाइनिंग रूम अब क्लीन हो चुका है। यहाँ पर देखिए बच्चों की फ़ोटो लगी हुई हैं, जो बड़े भैया बाहर रहते हैं वो सहज की है, और फादर इन लॉ की है, और कुछ टॉयज हैं बच्चे के। और सोफ़े के ऊपर जो कवर बिछे हुए हैं ये काफ़ी पुराने हैं, मेरे मदर इन लॉ की हैं, तो मैंने वो बिछाए हैं आज थोड़ा सा चेंज करने के लिए, लेकिन सोफ़े के पीछे नहीं बिछाए, इससे बहुत मैसी हो जाता है और इतना अच्छा नहीं लगता।
देखिए फ्रेंड्स, इस साइड पे जो गेट है घर के अंदर की तरफ जाता है, उधर किचन है, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा हुआ है, कुछ पिक्स लगी हुई हैं, ये ब्रदर इन लॉ की और उनकी वाइफ की शादी की पिक लगी हुई है। और इस साइड से डाइनिंग रूम इस ऐसे दिखता है कुछ, इसका लुक आपको मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप कैसा लग रहा है। अगर फ्रेंड्स में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि मेरी आपको ये सेटिंग और मेरा डाइनिंग रूम का टूर आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी रह गई हो फ्रेंड्स तो फिर भी आप मुझे ज़रूर बताना। देखिए अब नाइट का व्यू दिखा रही हूँ आपको, प्लांट्स के ऊपर मैंने ग्रीन लाइट लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। कभी कभी हमारा दिल करता है हम कम लाइट में बैठें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल की वीडियो में नए आइडिए के साथ, कुछ नया लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अब मिलेंगे कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।